नमस्कार दोस्तों, दी एजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के लेक्चर के लिए जो टॉपिक निर्धारित किया गया है वो है स्थानीय स्वशासन। यद्यपि स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ग्रामीण और नगरीय दोनों ही क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की बात की जाती है, तो इन दोनों ही टॉपिक को अलग अलग समझने से पहले हम स्थानीय स्वशासन के मतलब को समझने का प्रयास करेंगे। भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी पद श्रेणी क्रम यानी कि उसका जो हायरार्की है ऊपर से नीचे की तरफ, वो इस तरीके से है कि ऊपर में संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत जो केंद्र की व्यवस्था है और मध्यवर्ती स्तर पर प्रांत या राज्यों की व्यवस्था है और निचले स्तर पर स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। और स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ही ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की बात की जाती है। तो यह रही उसकी एक सामान्य परिचय। अब हम स्थानीय स्वशासन को अगर परिभाषित करने का प्रयास करें तो इस तरीके से कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था के श्रेणी क्रम में सबसे निचले स्तर पर प्रतिनिधियों का चुनाव और उन्हीं प्रतिनिधियों के माध्यम से विकास और प्रशासन किया जाना ही स्थानीय स्वशासन कहलाता है। यानी कि राजनीतिक व्यवस्था के श्रेणी क्रम में निचले स्तर पर या स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधियों का चुनाव और उन्हीं प्रतिनिधियों के माध्यम से विकास और प्रशासन किया जाना ही स्थानीय स्वशासन कहलाता है। तो इस तरीके से यहां पर जो पद श्रेणी क्रम की व्यवस्था है वो इस तरीके से है। यहाँ पे स्थानीय स्वशासन है और यहाँ पे राज्य है और यहाँ पर केंद्र है। इस तरीके की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। और यहाँ पर नगर और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में शासन की व्यवस्था संचालित होती है और दोनों को ही स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत लाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन को पंचायत कहा जाता है और इसी तरीके से शहरी जो क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को नगर पालिका के नाम से जाना जाता है। तो हम इन दोनों ही टॉपिक को यानी कि स्थानीय स्तर पर जो ग्रामीण क्षेत्र में जो स्थानीय स्वशासन है और जो शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन है उसको अलग अलग करके देखेंगे। तो स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आज के इस टॉपिक में हम लोग पंचायत पर यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो स्थानीय स्वशासन कहलाता है उसे हम पंचायत के नाम से जानते हैं। पंचायतों की स्थापना का उद्देश्य अगर बेसिकली देखा जाए, यद्यपि भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था के अंतर्गत जो संविधान की बातें कही गई थी, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं की गई थी, उसमें केंद्र और राज्य की बात की गई थी। केंद्र और राज्य के आधार पर भारत की प्रशासनिक व्यवस्था राजव्यवस्था के ढांचा को बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन समय समय पर इस बात की आवश्यकता महसूस की जाती रही कि स्थानीय स्तर पर भी सरकार और शासन की व्यवस्था होनी चाहिए जिनके पास कुछ स्रोत हो और उन्हीं स्रोतों के आधार पर वो योजना बनाए और अपने स्थानीय क्षेत्रों का विकास कर सके। इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए समय समय पर इसकी मांग की जाती रही है। लेकिन इसका मूल जो है वो ये है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं प्रशासन में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए और लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को तृणमूल स्तर पर लाने के लिए, जमीन पर लाने के लिए पंचायतों की स्थापना की गई है। और इसी पृष्ठभूमि में समय समय पर पंचायतों को स्थापित करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए, संवैधानिक दर्जा देने के लिए जो है मांग की जाती रही है। तो अगर देखा जाए भारत में तो ये प्राचीन काल से ही जो है इस तरीके की व्यवस्था चली आ रही है। और चोल काल में, चोल शासन में भी स्थानीय स्वशासन की जो बात कही गई है। और भारत में 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की जो है 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन की जो स्थापना की गई, इसीलिए उन्हें जो है स्थानीय स्वशासन का जनक भी भारत में कहा जाता है। महात्मा गांधी ने भी एक आत्मनिर्भर गांव की अवधारणा प्रस्तुत किया था और ग्रामीण क्षेत्रों की जो है मजबूती पर महात्मा गांधी जी ने जो है बल दिया था। और उन्होंने ये लाइन बोला कि देश की जो समृद्धि है वो गांव की जो है, देश की जो खुशहाली हो गांव की समृद्धि पर निर्भर करती है। यानी कि गांव अगर समृद्ध होंगे तो गांव से मिल करके भारत देश का निर्माण हुआ है तो भारत स्वतः ही जो है वो खुशहाल हो जाएगा। क्योंकि अभी भी यहाँ की जो है ज़्यादातर जनसंख्या वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, अपनी आजीविका के लिए वो कृषि पर निर्भर है। इसलिए एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी मैकेनिज्म, एक ऐसा सिस्टम डेवलप होना चाहिए जिससे स्थानीय स्तर की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुदृढ़ हो सके, शहरों की तरफ पलायन कम हो सके। पलायन तभी कम होगा जब
ग्रामीण क्षेत्र हमारा मजबूत होगा, वहाँ स्कूल होंगे, वहाँ पे जो है चिकित्सा की जो व्यवस्था होगी, वहाँ पे सड़कें होंगी, पेयजल होगी और बिजली की व्यवस्थाएं होंगी। तो इन सारी चीज़ों को यानी कि वहाँ पर आर्थिक विकास के लिए योजना निर्माण करने के लिए एक ऐसे ढांचे की जरूरत थी जो इन सभी जो है कार्यों को जमीनी स्तर पर उतारने में सक्षम हो सके। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो है स्थानीय सुशासन के अंतर्गत पंचायतों की मांग लगातार जारी रही। तो ये एक जो है उसकी व्यवस्था थी, एक ऐतिहासिक जो है उसका क्रम था। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए '52 सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और 1953 ईस्वी में यह क्वेश्चन आ भी चुका है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, यह सवाल पूछा भी जा चुका है। इनके माध्यम से स्थानीय स्तर पर ऐसी योजनाएं निर्माण करने की बात की गई जिससे विकास हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके। और इन दोनों ही जो है योजनाओं की जांच समीक्षा करने, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, जिससे कि जो है यह स्थानीय स्तर की इन सभी योजनाओं की क्या भूमिका रही है, स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार देने, उनको विकसित करने और क्षेत्र को विकसित करने के लिए इन योजनाओं की क्या भूमिका रही है, उसमें क्या कमियां रही हैं, अपनी रिपोर्ट देने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया 1957 ईस्वी में। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की जो है त्रिस्तरीय पंचायत का ढांचा प्रस्तुत किया, जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा 1958 ईस्वी में स्वीकार भी कर लिया गया। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहली बार पंचायत की स्थापना और पंचायत का गठन भी किया गया। तो इस तरीके से देखिए 1952, 1953 की ये जो है एक क्रमिक प्रगति थी, जिसके आधार पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत में पंचायतों को सबसे पहली बार गठन किया गया। और वहां से ये प्रयास किया गया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और जनता की प्रशासन में भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। पुनः आगे 1977 ईस्वी में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया, क्योंकि यहां पर भी पंचायतों का गठन तो कर दिया गया लेकिन पंचायतें अपने कार्य नियमित रूप से नहीं कर पा रही, उनके आय का कोई स्रोत नहीं था या उनको कोई संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। तो 1977 ईस्वी में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। अशोक मेहता समिति ने जैसे यहाँ पे त्रिस्तरीय था, इन्होंने दो स्तरीय, जैसे इन्होंने जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर प्रस्तुत किया था त्रिस्तरीय ढांचा, वैसे इन्होंने जो है जिला स्तर पर और उसके निचले मंडल पंचायत यानी कि जिला पंचायत और मंडल पंचायत के रूप में द्विस्तरीय पंचायत की जो है रूपरेखा प्रस्तुत किया। 1977 ईस्वी में यहां पर थे अशोक मेहता समिति और यहां पर थे बलवंत राय मेहता समिति। इसके बाद 1985 ईस्वी में योजना आयोग के द्वारा विकास और रोजगार की समीक्षा करने के लिए और जमीनी स्तर पर काम करने के लिए बी के आर बी राव समिति का गठन किया गया था। बी के आर बी राव समिति ने भी ये चीज बताया कि पंचायतों की स्थापना होनी चाहिए और नियमित रूप से पंचायतों के चुनाव पर इन्होंने बल दिया। और इन्होंने जो है चार स्तरीय, सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने चार स्तरीय जो है पंचायतों का ढांचा प्रस्तुत किया और नियमित रूप से पंचायतों के चुनाव पर बल दिया। नियमित रूप से पंचायतों का जो है चुनाव हो सके इस पर उन्होंने बल दिया और चार स्तरीय पंचायतों की ढांचा उन्होंने प्रस्तुत किया। इसी तरीके से 1986 ईस्वी में राजीव गांधी की सरकार थी और उन्होंने पंचायतों के विकास के लिए और समृद्धि के लिए एक समिति का गठन किया जिसका नाम था एम एल सिंघवी समिति।
एमएल सिंघवी समिति थी और इस समिति ने पंचायतों के संवैधानिक दर्जा देने पर बल दिया कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, तभी पंचायतें सही तरीके से काम कर पाएंगी, उनके अधिकार और शक्ति की रूपरेखा स्पष्ट हो पाएगा, उन्हें क्या शक्तियां हैं, उन शक्तियों का वो प्रयोग कर पाएगा। तो 1986 ईस्वी में एमएल सिंघवी समिति का गठन किया गया और इसी तरीके से 1987 ईस्वी में पी के थुंगन समिति का गठन किया गया। पी के थुंगन समिति के संस्तुति के आधार पर ही यहां पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, इनकी रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। अगर परीक्षा में पूछता है कि संवैधानिक दर्जा किस समिति की संस्तुति के आधार पर, यद्यपि पूर्व में भी कई समितियों ने इस तरीके की बात कही थी, लेकिन पी के थुंगन समिति की संस्तुति के आधार पर ही पंचायतों को सबसे पहली बार जो है दर्जा दिया गया। तो इस तरीके से यह एक जो है ऐतिहासिक विकास क्रम रहा जो कि 1952 ईस्वी से योजना के रूप में प्रारंभ हुआ और अलग अलग समयों पर इस पे अलग अलग समितियां बनाई गई जो उनके बेहतरी के लिए, उसको सुगठित करने के लिए अपनी योजनाएं प्रस्तुत किया और लास्ट में पीवी नरसिम्हा राव पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। यहां पे यह ध्यान में रखना है कि यह अधिनियम जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, लेकिन यह लागू किया गया था 1993 ईस्वी में। इसके आधार पर इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया और 24 अप्रैल को इसे लागू किया गया, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के नाम से भी जाना जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के नाम से भी जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो ये रही जो है 1952 से लेकर के 1993 के बीच की कहानी, जिसमें विभिन्न प्रकार के समितियों, विभिन्न प्रकार की योजनाओं के द्वारा जमीनी स्तर पर इस तरीके की रूपरेखा निर्धारित की गई, व्यवस्थित की गई, जिससे पंचायतों को एक संवैधानिक दर्जा दिया जाना संभव हो सके। और जब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया तो उसका चुनाव एक निश्चित समय पर होने लगा, उसके आय के साधन एक निश्चित स्रोतों से होने लगे, उनके अधिकारियों को तय किया गया, उनके पदाधिकारियों को तय किया गया, उनके अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को निर्धारित किया कि जिसके आधार पर ये अपना कार्य कर सकते थे। यद्यपि इन अधिनियमों के माध्यम से रूपरेखा खींची गई, कुछ विषयों को और कुछ प्रावधानों को संसद के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया और कुछ प्रावधानों के संदर्भ में राज्य की विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया कि वो समय समय पर जरूरत के अनुसार, वहां की संरचना और व्यवस्था के अनुसार उसमें कुछ प्रावधानों को लागू कर सकते हैं, यानी कि वो चाहें तो उन प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकते हैं। तो ये व्यवस्था थी स्थानीय सुशासन, इसके अंतर्गत हम लोगों ने स्थानीय सुशासन की परिभाषा को देखा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सुशासन पंचायत और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सुशासन या नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सुशासन नगर पालिका के नाम से जाना जाता है। पंचायतों के संदर्भ में उसके उद्देश्य को हमने देखा कि पंचायतों के स्थापना का उद्देश्य बेसिकली लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और प्रशासन में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना था। इसके बाद हम लोगों ने 1952 से लेकर के 1993 के बीच में किस तरीके से प्रगति रही पंचायतों की स्थापना का, उसको देखा। अब हम अधिनियम के माध्यम से जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसको यहां पर देखने का प्रयास करें। तिहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम 1952, जिसे कि 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू किया गया, यानी कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसे 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू किया गया, इसके माध्यम से
संविधान में भाग 9 अनुसूची 11 जोड़ा गया। इसके माध्यम से 29 विषय निर्धारित किए गए जिस पर पंचायतों को काम करना है, और संविधान में 16 अनुच्छेद बनाए गए जिसके माध्यम से पंचायतों की व्यवस्था की गई और उनके प्रावधानों को लागू करने का प्रयास किया गया। 243 में ही ये व्यवस्था की गई है, और 243 से लेकर के 243 ओ तक की व्यवस्था ये की गई है पंचायतों के लिए, और इसी तरीके से 243 पी से लेकर के 243 एजेड 243 पी से लेके 243 जेड जी है, क्योंकि जब हम जेड पे पहुंच गए तो उसके बाद पुनः जो है जेड के बाद जो है एबीसीडी प्रारंभ होगा। 243 पी से लेके 243 जेड जी तक इसमें जो है 18 अनुच्छेद बताए गए हैं। तो इस तरीके से पंचायत और नगर पालिकाओं की व्यवस्था को जमीन पर उतारने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। तो 243 से लेकर के 243 ओ तक यहाँ पर पंचायतों की व्यवस्था बनाई गई है। इसमें जो क्रम से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं वो अनुच्छेदों के माध्यम से उसको हम लोग स्पष्ट करेंगे। तो इसमें ग्राम सभा की बात कही है, ग्राम सभा का गठन किया जाएगा। ग्राम सभा किसे कहा जाता है? बेसिकली ग्राम सभा क्षेत्र में वहां की निर्वाचक नामावली में शामिल सभी पंजीकृत मतदाताओं को मिला करके जो ढांचा बनता है उसे ग्राम सभा के नाम से जाना जाता है। और यह कहा गया है कि ग्राम सभा को ऐसी शक्तियां दी जाएंगी जिससे वो एक स्वायत्त शासित शक्ति के रूप में, संस्था के रूप में, निकाय के रूप में काम कर सके। तो वहां पर पूरे ग्राम सभा में जो पूरे ग्राम सभा क्षेत्र में या ग्राम पंचायत क्षेत्र में जो निर्वाचक नामावली होगी उस निर्वाचक नामावली में शामिल लोगों की जो संख्या है, और उसमें शामिल कौन होते हैं? वहां के मतदाता, निर्वाचक जो नामावली होती है उनके उसमें शामिल जो है मतदाताओं की जो संख्या होती है, उन मतदाताओं की संख्या को जो मिला करके जो निकाय बनता है वो ग्राम सभा कहलाता है। और ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का जो प्रयोग करेगी जिसे जो है राज्य विधानमंडल के द्वारा इसको प्रदान किया जाएगा। तो इसी में जो है ये बातें कही गई हैं। 243 बी, 243 बी के अंतर्गत त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था की जो है बात कही गई है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही गई है, यानी कि स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत, और इसी तरीके से मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत, और जिले के स्तर पर जिला पंचायत की स्थापना की जाएगी। यद्यपि इसमें यह व्यवस्था की गई कि जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी वहां पर मध्यवर्ती स्तर की पंचायत की स्थापना की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन सामान्य रूप से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है, यानी कि क्षेत्र ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, इस तरीके की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। 243 सी में जो है पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चुनाव के संदर्भ में व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष आवलिक सदस्य कैसे ये भरे जाएंगे, अध्यक्ष एवं सदस्य को जो है कैसे भरे जाएंगे? तो सदस्यों की जहां तक बात है, यानी कि ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य, इन तीनों का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि जनता के द्वारा किया जाता है। इसी तरीके से ग्राम पंचायत अध्यक्ष, जिसे प्रधान भी कहा जाता है, जिसे सरपंच भी कहा जाता है या जिसे मुखिया भी कहा जाता है, इसका जो चुनाव है वो भी प्रत्यक्ष रूप से ही होता है।
लेकिन इसके अलावा जो क्षेत्र पंचायत का जो सदस्य होते हैं, और इसी तरीके से क्षेत्र पंचायत के सदस्य के द्वारा वहां क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का, और इसी तरीके से जिला पंचायत सदस्य के द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अर्थात यहाँ पर मध्यवर्ती स्तर और जो शीर्ष पे जिला पंचायत है, इन दोनों ही स्तरों पर अध्यक्षों का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से उन सदस्यों के द्वारा किया जाता है जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती है, यानी कि क्षेत्र पंचायत सदस्य के द्वारा ब्लॉक प्रमुख का चयन किया जाता है, जिसे उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो उसे क्या कहा जाता है, ब्लॉक प्रमुख के नाम से जाना जाता है। ब्लॉक प्रमुख उसे क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष को कहा जाता है। इसी तरीके से जिला पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, इन दोनों ही पदों या पदाधिकारियों की जो चुनाव की प्रणाली है वह अप्रत्यक्ष रूप से होती है, यानी कि इनके सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है, जबकि अध्यक्ष ग्राम पंचायत अध्यक्ष सहित जो है सभी स्तर के सदस्यों को जो है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता वहां की चुनती है। ये व्यवस्था यहाँ पे है 243D के अंतर्गत। 243D के अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 243D के अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था की गई है कि पंचायत क्षेत्रों में, सभी स्तर की पंचायतों की बात है, कि वहां पर SC और ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जाएगा, और यहीं पर इन दोनों ही जो है वर्गों की महिलाओं को कम से कम एक तिहाई जो है आरक्षण यहां पर प्रदान किया जाएगा। यद्यपि इनका आरक्षण जो है, महिलाओं का आरक्षण अपने वर्ग के ही अंतर्गत होगा, यानी कि ये महिलाएं जो हैं वो अगर SC ST की महिलाएं हैं तो उसी में जो है आरक्षण उनको प्राप्त किया जाएगा, और बेसिकली SC और ST को जो आरक्षण है वो उनकी जनसंख्या के अनुपात में वहां पर दिया जाएगा। तो पंचायतों में जो आरक्षण की व्यवस्था है वो अनुसूचित जनजातियों को, अनुसूचित जातियों को दिया गया है, और ये आरक्षण की व्यवस्था उनकी जनसंख्या के अनुपात में, उन पंचायतों में अनुसूचित जातियों की, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है, और महिलाओं को आरक्षण जो है वो 1/3 इसमें जो है कम से कम दिया जाएगा। यद्यपि इसके लिए प्रयास 1/2 के लिए भी किया जाता रहा है, लेकिन 1/3 जो है वो कंपल्सरी बनाया गया है कि महिलाओं को इसमें आरक्षण दिया ही जाएगा। संसद के द्वारा उस अधिनियम में ये व्यवस्था की गई है कि OBC के लिए आरक्षण तो उस समय नहीं बनाया गया था, लेकिन ये राज्य विधानमंडल के ऊपर था कि वो OBC के आरक्षण को भी ये लागू कर सकता है, यदि राज्य विधानमंडल चाहे तो OBC के लिए भी जो आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर पंचायतों को देखा जाए तो OBC के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ये रही जो है 243D के अंतर्गत जो है आरक्षण की व्यवस्था। 243E यहां पर जो चुनाव और आरक्षण की व्यवस्था स्पष्ट हो गई थी, ये यहां पर कार्यकाल होता है। इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है, और सामान्यतः अपनी पहली बैठक से ये 5 वर्ष तक का जो है कार्य करते हैं। यदि इसके पूर्व में ये जो है विघटित कर दिए जाते हैं तो ये अपने शेष कार्यकाल के लिए जो पुनः गठित होते हैं। तो इस तरीके से पंचायतों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष सामान्य स्थिति में बनाया गया है। 243 योग्यता और अयोग्यता के संदर्भ में, यहां पर वही योग्यता सीमा निर्धारित किया गया जो विधानसभा के सदस्य बनने के लिए, केवल इसके उम्र जो है वो 21 वर्ष निर्धारित की गई है। वहां पर क्या था, विधानसभा सदस्य में 25 वर्ष था, और यहां पर 21 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है कि कोई भी व्यक्ति जो न्यूनतम 21 वर्ष के हैं और पंजीकृत मतदाता के रूप में है वो यहाँ पर सदस्य और अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकते हैं। तो F में जो इनका कार्यकाल, इनका जो है योग्यता के बारे में बताया गया है। इसी तरीके से 243G में जो है बताया गया है कि इनकी जो है शक्तियों के बारे में बताया गया है। बेसिकली अगर इसको ऐसे देखा जाए, जी का मतलब होता है, जब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो जी का मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल जो है शक्ति की वहां पे बात की गई है, हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति की बात करते हैं जिसे ग्रेविटेशन होता है। तो बेसिकली गुरुत्वाकर्षण शक्ति का तात्पर्य भी जो है यहाँ पे हम शक्तियों के रूप में देख सकते हैं। ये याद करने के लिए थोड़ा सा
एक आसान तरीका है। और इसी तरीके से लगभग सभी पॉइंट्स पर अगर आप लोग अपने हिसाब से ट्रिक बनाएंगे तो वो कुछ तथ्यों को याद करने में आपका मदद करेगा और कभी परीक्षा में लिखने में आपका मदद करेगा या प्रारंभिक परीक्षा में इससे जो सवाल तथ्यात्मक पूछे जाते हैं उसको याद करने में मदद करेगा। ग्रेविटेशन से जो बनता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति हम लोग पढ़ते हैं तो जिस तरीके से वहां शक्ति है वैसे ही यहाँ पे पंचायतों की शक्ति को भी जी में रखा गया है 243 जी के अंतर्गत, यानी कि जो है राज्य के द्वारा इन्हें ऐसी शक्तियां प्रदान की जाएंगी जिससे ये एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में काम कर सके, अपने में जो है ये आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर सके, उन्हें ऐसी शक्तियां जो प्रदान की जाएगी। इसी तरीके से 243 यच करारोपण के संदर्भ में बात कही गई है। 245 यच के अंतर्गत करारोपण की बात कही गई है और इन्हें राज्य के द्वारा उपयुक्त कर शुल्क या चुंगी लगाने और उनकी वसूली करने का जो अधिकार भी यच के अंतर्गत जो है दिया जाता है। तो ये व्यवस्थाएं हैं कि करारोपण करेगी तभी इनके आय का जो है स्रोत होगा। और 245 आई, आई मतलब इनकम, इनकम मतलब आय, आय कहां से आता है, वित्त आयोग इसके लिए बनाया गया है। तो यहां पे आई से आप इसको डिनोट कर सकते हैं, इसको डिनोट अगर यहां पे करेंगे आई से निर्दिष्ट करेंगे तो ये याद करने में आसानी होगी, यानी कि वित्त आयोग का इसमें जो है गठन, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा जो किया जाएगा और प्रत्येक 5 वर्ष बाद राज्यपाल के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। वित्त आयोग पंचायतों की आय के स्रोतों की समीक्षा करेंगे और अनुशंसा करेंगे जिससे राज्य के द्वारा प्राप्त करों से इनको कुछ धनराशियां दी जा सके, संचित निधि से इनको कुछ धनराशि अंतरित की जा सके। इन सभी बातों का अध्ययन करेंगे और अपनी सिफारिश जो है प्रस्तुत करेंगे जिससे राज्यों में स्थापित पंचायतों को एक सोसाइटी निकाय के रूप में स्थापित किया जा सके और उनके द्वारा वहां पर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यों को किया जा सके और उसके माध्यम से क्षेत्र का विकास किया जाना संभव हो सके। तो आई के अंतर्गत वित्त आयोग। और 243 जी भाई, जब पैसा यहां पर आएगा खर्च होगा तो उसका जो है ऑडिट भी होना चाहिए जिसको अंकेक्षण कहा गया है। ऑडिट का मतलब क्या होता है, ऑडिट का तात्पर्य है किसी भी मद के अंतर्गत खर्च की गई धनराशियों के लेखांकन का जांच और परीक्षण करना कि वो जो धनराशि खर्च की गई है वो बेसिकली उसी योजना पर खर्च की गई है जिसके लिए वो आई थी या नहीं, उसी नियमों के तहत खर्च की गई है जिन नियमों के तहत उसको खर्च किया जाना चाहिए था, उसी प्राधिकारी के द्वारा खर्च किया गया है जिसे खर्च करने के लिए इसमें अधिकृत किया गया था। सामान्यतः इसमें वित्तीय औचित्य के मानकों का भी अनुपालन किया जाता है। वित्तीय औचित्य के मानक का तात्पर्य यही है कि वहां पर पर्याप्त बजट होना चाहिए और कार्य की आवश्यकता होनी चाहिए, उस व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए या उस अथॉरिटी के द्वारा किया जाना चाहिए जिस अथॉरिटी को ये कार्य अधिकृत किए गए हैं और उसी मत पर धन खर्च होना चाहिए। ये होता है वित्तीय औचित्य के मानक। ये सारी चीजें ऑडिट सेक्शन के द्वारा देखी जाती हैं और जब यहाँ पर धन की व्यवस्था की गई है तो उसी के बाद ऑडिट यहाँ पर तुरंत लगाया गया तो याद करने में भी आसानी है। आय का मतलब इंटरेस्ट हो गया, इनकम हो गया, इनकम मतलब आय, आय जो है इसीलिए आय के लिए जो वित्त आयोग बनाया गया है और जब आय जो आया है योजनाओं पर खर्च हुआ है तो उस खर्चे की जांच करने के लिए यहाँ पे जी के अंतर्गत ऑडिट की व्यवस्था की गई है। 243 पर हम लोग विचार करेंगे। इसके बाद क्या आता है इसमें आयोग, आयोग का मतलब यह है यहाँ पे चुनाव आयोग। एक बात यहां पर और भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि देश में 2 प्रकार के चुनाव आयोग, एक जो है आयोग अनुच्छेद 324 में जब हम लोग अध्ययन करते हैं आर्टिकल 324 के अंतर्गत देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा और इसी तरीके से राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के चुनाव को संचालित संपादित करने के लिए एक जो है चुनाव आयोग का गठन किया गया है। लेकिन यहां पर जो चुनाव आयोग है उसे राज्य चुनाव आयोग के नाम से जाना जाता है, राज्य चुनाव आयोग। इसका जो है इसके गठन, इसके आयुक्त का की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जबकि जो चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत है उसके आयुक्त और अन्य
मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्तों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, उनके द्वारा विधानसभा के भी जो है चुनाव किए जाते हैं, लेकिन राज्य चुनाव आयोग जो है उसके द्वारा पंचायतों के जो है चुनाव को संचालित किया जाता, केवल और केवल पंचायतों के चुनाव को संचालित किया जाता है। एक यहां पर और टर्म यूज होता है राज्य चुनाव आयोग के साथ साथ राज्य में जो है चुनाव अधिकारी, चुनाव अधिकारी, ये चुनाव अधिकारी जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा, भारत चुनाव आयोग जो है उसके द्वारा जब विधानसभा का चुनाव किया जाता है तो उस राज्य के लिए जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, इस तरीके के जो है पदों की व्यवस्था की जाती है। चुनाव अधिकारी होते हैं जिनके द्वारा राज्य के विधानसभा चुनाव में एक प्रभारी के रूप में अपनी भूमिका अदा किया जाता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी या इस तरीके के जो है पद यहाँ पर प्रयोग में लाए जाते हैं, चुनाव अधिकारी के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। लेकिन राज्य चुनाव आयोग जो है वो राज्यपाल के द्वारा गठित होता है, उनके आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और उनके द्वारा केवल और केवल पंचायतों के चुनाव को संचालित किया जाता है। तो ये व्यवस्था आर्टिकल 245 के अंतर्गत जो किया गया है कि राज्य चुनाव आयोग बनाया जाएगा और राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त को यदि हटाने की जो है जरूरत पड़ती है तो उसको उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस तरीके से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो उसी तरीके से राज्य चुनाव आयोग की व्यवस्था आर्टिकल 243 के अंतर्गत किया गया है। इसमें कुछ और भी बातें हैं, जैसे चुनाव के बाद जो है अगर पंचायतों को, पंचायतों पे लागू होने के संदर्भ में किसी भी प्रकार की बातें हैं तो संसद के द्वारा वैसे नियम बनाए जा सकते हैं जिससे किसी प्रावधान को लागू किया जा सकता है या नहीं, लेकिन राष्ट्रपति को इसमें यह अधिकार दिया गया है कि किसी भी प्रकार के प्रावधान को वो कुछ परिवर्तन या कुछ अपवाद के साथ लागू कर सकता है। भारत में 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर पंचायतों की व्यवस्था लागू नहीं की गई है, नागालैंड है, मेघालय है और मिजोरम, इसको 60 में नमीमी के नाम से भी जाना जाता है, नमीमी। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में जो है पंचायतों की व्यवस्था जो है लागू नहीं की गई है। इसी तरीके से मणिपुर में जो है वहां पर जिला परिषद की व्यवस्था पहाड़ी क्षेत्रों में किया गया है, वहां पे पंचायतें नहीं है, उनके द्वारा वहां पे विकास के कार्य किए जाते हैं। और यहाँ पे पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग क्षेत्र में दार्जिलिंग गोरखा परिषद की जो व्यवस्था की गई है जहाँ पर पंचायतें नहीं लागू की गई, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि देश के सभी क्षेत्रों में है पर कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में पंचायतों की व्यवस्था लागू नहीं है। संसद इस संदर्भ में पंचायत क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 भी पारित किया हुआ है जिससे कि पंचायतों के लागू करने के संदर्भ में व्यवस्थाएं की गई हैं, अर्थात किसी भी प्रकार के प्रावधान को लागू करने, संशोधन करने की शक्ति संसद में दी गई है और किसी भी प्रकार के अपवाद के साथ उसको लागू करने की शक्ति राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। तो ये थी व्यवस्था पंचायतों की जो है संदर्भ में। हाँ, एक और बातें जान लेना आवश्यक है कि यदि पंचायतों के चुनाव के संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ये मामला जो है वो न्यायालय नहीं जाता है, न्यायालय के द्वारा इसका जो है निराकरण नहीं किया जाता है, जबकि राज्य विधानमंडल के द्वारा गठित एक निकाय होगा जो इनके चुनावों को देखेगा। और यदि ऐसी जो है निकाय पंचायतें अपने समय के पूर्व विघटित हो जाती है तो अपने शेष कार्यकाल के लिए ही गठित की जाती हैं और अध्यक्ष को हटाने का कोई प्रावधान पंचायतों में 2 वर्ष के बाद ही लाया जा सकता है और ये सदस्यों के 2/3 बहुमत से ही उनको हटाया जा सकता है। इस तरीके के जो प्रावधान पंचायतों के संदर्भ में की गई, ये बातें तथ्यात्मक है अपने स्वरूप में लेकिन परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है, इसलिए यहाँ पे आप लोगों के साथ इसको बताया जा रहा है। तो स्थानीय सुशासन के अंतर्गत हम लोगों ने आज के इस टॉपिक में पंचायतों के जो है गठन से लेकर के उनके जो भी कार्य हैं, शक्तियां हैं, उसको देखने का प्रयास किया।
यहाँ पे स्थानीय सुशासन को देखने का प्रयास किया, पंचायतों की स्थापना के उद्देश्य को देखने का प्रयास किया और 1952 से लेकर के 1993 ईस्वी तक की उस कहानी को भी देखने का प्रयास किया जिससे पंचायतों को एक मजबूत आधार प्रदान करते हुए उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया जाना संभव हो सका। तो आज के इस पंचायती राज के टॉपिक में हम लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं इससे ये स्पष्ट होता है और आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप लोगों को पंचायतों के बारे में एक बेहतर समझ विकसित हुई होगी। यद्यपि इसके एप्लीकेबल पोर्शंस को लेकर के एक और क्लास बनाया गया है जहां पर हम देखेंगे कि पंचायतें किस तरीके से कार्य की, पंचायतों की क्या समस्याएं हैं, पंचायतें कहां तक सफल रही हैं, ये सारी बातें भी जो मुख्य परीक्षा के संदर्भ से भी महत्वपूर्ण होगा, तो उसके लिए भी एक अलग से क्लास होगा। खैर आज के इस टॉपिक में इतना ही है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और पंचायतों के बारे में एक बेहतर दृष्टिकोण विकसित करने में आपका मदद करेगा। तो अगले लेक्चर में पुनः हम इसके अगली कड़ी को लेकर के आते हैं, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा में जो है ले जाते रहिए। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।